नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कवर कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कंपोटोरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की कैग। कैग क्या होता है, इसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या पावर होती हैं और कौन इनको अपॉइंट करता है। ठीक है दोस्तों, कंपोटोरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे पहली बात कि इस टाइम कैग हमारे कौन है, राजीव महर्षि जी हमारे कैग हैं। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है दोस्तों। और जो फर्स्ट कैग थे हमारे वो नरहरि राव थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो कैग जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 148 में। और इनका जो ऑफिस होता है दोस्तों वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों, सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं। और इनका ये जो हेड होते हैं ये किस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के। जो भी अकाउंट होते हैं, जो फाइनेंशियली बिल पास होते हैं और जो स्कीम्स में पैसा जाता है, ये उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट दोस्तों। और पब्लिक पर्स के ये गार्जियन होते हैं। जितने भी पब्लिक पर्स का मतलब ये है दोस्तों, जो टैक्स के द्वारा पैसा दिया जाता है हमारे पीपल्स के द्वारा, पर्सन्स के द्वारा, जो भी इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है और जीएसटी में जितने भी टैक्स आते हैं, कि उस टैक्स का जो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है वो सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर करप्शन के चार्जेस हैं तो उसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कहा गया है कि जो कंट्रोल करेंगे, ये फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसमें कहा गया है ये हिज ड्यूटी इज टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनकी एक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जो संविधान में लिखी गई हैं बातें उसको अपहोल्ड करें और पार्लियामेंट के जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लॉज हैं उसके हिसाब से अपने आप को काम करें, ये इनकी बात है। बी आर अम्बेडकर जी जो थे, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये, इन्होंने कहा कि कैग की जो पोस्ट है वो इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कैसे दोस्तों, जो कैग है, मान लीजिए आपने टैक्स दिया, खूब आप टैक्स देते हैं, लेकिन उसका अगर सही इस्तेमाल ना हो, जो सोशल सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, आपका वाटर, इन तक ये चीज़ें ना मिले, अगर जो जिस तबके को मिलना चाहिए तो उस टैक्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो कैग की पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचा के रखते हैं। क्या डेमोक्रेसी को कैसे बचा के रखते हैं, मतलब ये बताते हैं कि भाई हाँ, ये सोशल वर्क जो हुआ है, इस पॉलिसीज में जितने पैसे आवंटित करे गए थे उसका गलत यूज हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, द अदर बीन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, और आपका जो इलेक्शन कमीशन है और यूपीएससी है, इनको भी डेमोक्रेसी को बचाने वाली कमीशन कहते हैं। ये चार पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कैग, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी और आपका इलेक्शन कमीशन। अब कैसे, कैग जो हमारे टैक्स की रखवाली करेंगे कि हाँ ये चीज़ ठीक हो रही है, इसमें जो पैसा गया वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ, और अगर नहीं गया तो जैसे आपने सुना होगा 2G स्कैम, ये सब कैग की रिपोर्ट पर ही आप सामने आए थे। सुप्रीम कोर्ट ये क्या बताएगा कि जो कानूनी व्यवस्था है जुडिशरी की, उसमें लोगों का ट्रस्ट बढ़े, उसमें लोग विश्वास रखें कि हाँ जो जुडिशरी है वो न्यायपूर्वक ट्रांसपेरेंट चीज़ में काम करेगी और जो भी हमारे अपराध हो रहे हैं, जुर्म हो रहे हैं, उनको रोकने में सक्षम होगी। यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी ब्यूरोक्रेसी, मान लीजिए अगर यूपीएससी ही संदेह के दायरे में आ जाता है दोस्तों, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सेलेक्ट होके जा रहे हैं वो भी एक संदेह के दायरे में आएंगे, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे पूरी डिस्ट्रिक्ट का जिम्मा होता है, और अगर वो उस कार्य को, कर्तव्य पालन अपना सही प्रकार से नहीं करता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट की जो एम्प्लॉयमेंट है, डिस्ट्रिक्ट का जो सोशल वर्क है, वो उससे प्रभावित होता है और इससे डेवलपमेंट में रुकावटें आती हैं दोस्तों। और आपका इलेक्शन कमीशन, मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन पे चार्जेस लग जाएं कि ये भी संदेह के दायरे में है कि जो वोट डाला जा रहा है वो एक सही जगह नहीं जा रहा, किसी एक पार्टी के लिए ये काम करने लगे, तो इस वजह से इन चारों को एक इंडिपेंडेंट चार्जेस दिए गए हैं और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं
कैग के अपॉइंटमेंट की और टर्म की। कैग का जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों वो प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? प्रेसिडेंट। और जो वारंट अंडर इट है एंड सी, जो भी चीजें होती हैं सब इन्हीं के हाथ में होती हैं। और कैग जो है दोस्तों ओथ लेते हैं, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेते हैं कि मैं सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचा के रखूंगा भारत की, और टू ड्यूली फेथफुल टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, मतलब मेरे अंदर जितनी काबिलियत है उसका मैं 100% देने का कोशिश करूंगा। नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज विदाउट फियर एंड फेवर, किसी के डर से और किसी को फेवर करे बिना मैं अपना कार्य करूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन के और कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो लॉज हैं, अपने जो कानून है उसकी मैं रखवाली करूंगा दोस्तों। अब इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं, मैंने आपको बताया। टर्म कितने का होता है? 6 ईयर और 65 ईयर, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर 59 के होंगे तो 65 तक काम कर पाएंगे, पूरे 6 साल, और अगर 62 में एज है उनकी अपॉइंट हुए हो तो 65 तक वो काम कर पाएंगे, ये इसका क्राइटेरिया है। और ये रिजाइन भी दे सकते हैं किसी वक्त। दूसरी लाइन देखिए दोस्तों, किसको एड्रेस, किसको रेजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है ये रिमूव करे जा सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जाता है, प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का एक प्रोसीजर होता है, आपको बिल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, फिर पार्लियामेंट में वो पेश होगा, इसी हिसाब से कह रखा है कि अगर ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग की। ठीक है, अगर ये एक रेजोल्यूशन आएगा, कैसे मैं आपको बताता हूं, एक रेजोल्यूशन पास किया 50 मेंबर्स ने, ठीक है, फिर क्या होगा दोस्तों, उस वो बिल पेश होगा पार्लियामेंट के, लोकसभा मान लीजिए या राज्यसभा मान लीजिए, यहां 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, फिर ये बिल राज्यसभा में जाएगा, फिर यहां भी पास हो गया तो प्रेसिडेंट इनको बर्खास्त या रिमूव कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और ये किस बेस पर होगा? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब अगर कैग जो है वो मिसबिहेव कर दें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति या इनकैपेबल हो अपना काम करने के प्रति, तो भी ये रेजोल्यूशन लाया जा सकता है। अब इंडिपेंडेंस की बात करी जाएगी दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं 4, मैंने आपको बताया ये वॉच डॉग हैं इंडियन डेमोक्रेसी के। कौन कौन से? कैग हो गया आपका, और आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया आपका, और आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये वॉच डॉग है इंडियन डेमोक्रेसी के। तो कैग की इंडिपेंडेंस कैसे बनाई जाए? तो कैसे, इसमें एक बात कही गई है कि इनको एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलेगा और रिमूव करे जा सकते हैं ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान द्वारा मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें, उस बेस पर इनको रिमूव करा जा सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा दोस्तों। इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्लेजर है प्रेसिडेंट, ये मतलब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट तो कर रहे हैं लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी से ये उस पोस्ट पर नहीं बैठे रहेंगे, मतलब प्रेसिडेंट कभी चाहे तो इनको हटा दें या कभी चाहे तो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इनकी एक इंडिपेंडेंट है उस पोस्ट के लिए। दूसरा कहा गया है ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, मतलब जैसे इनके 65 साल कार्यकाल पूरा हो गया, फिर 70 एज होती है दोस्तों एनएचआरसी की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन की, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे सरकारें चाहती हैं, या इंसान जिससे प्रॉफिटेबल सोचता है कि मैं आगे किसी पोस्ट पर लग जाऊंगा अगर मैंने इस सरकार के पक्ष में किया काम, इस सरकार के पक्ष में किया, तो ये ऐसा नहीं हो सकता इनके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल के बाद। लिखा है ना कि ये किसी भी गवर्नमेंट, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट में ये काम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, जो इनकी सैलरी है और जो इनकी सर्विस कंडीशन है वो डिटरमाइन कौन करता है? पार्लियामेंट। और इनकी जो सैलरी होती है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है। सोचिए कितना हाई पोस्ट दिया गया है कैग को कंट्री के अंदर, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है इनकी सैलरी, अगर ये एब्सेंस है, ये छुट्टी पे गए हुए हैं, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, कैन बी एल्टर टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जो इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट है उसमें जो पर्सन चयनित होंगे वो किस प्रकार से होंगे, कैग
प्रिस्क्राइब करेगा प्रेसिडेंट को, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो कैग से उस पर कंसल्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव हैं कैग के ऑफिस के, कैसे, जैसे सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन पर्सन्स की, वो कहाँ से निकाले जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आपको पता है दोस्तों कि वोट करने की जरूरत नहीं है। तीन तरीके का फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इससे सैलरीज ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, उन जो इंडिपेंडेंट ऑफिस होते हैं वहाँ से निकाली जाती है। ये पॉइंट कोट करके बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोई मिनिस्टर कैग को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकता है अगर कैग उस टाइम मौजूद नहीं है या रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो नहीं। नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कैग इन पार्लियामेंट एंड नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शन डन बाय हिम। कोई भी कार्य कैग के द्वारा करा गया, कोई भी निर्णय कैग के द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई, तो कोई भी मिनिस्टर उसके लिए आंसरेबल नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ड्यूटीज और पावर की बात करी जाएगी दोस्तों। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 149 है दोस्तों, वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि कैग की जो ड्यूटीज हैं उसको प्रिस्क्राइब करे इन रिलेशन ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट और एनी अदर अथॉरिटी, मतलब यूनियन की जो अकाउंट और ऑडिट होना है, स्टेट का होना है और किसी और अथॉरिटी का होना है। तो ये 149 आर्टिकल के द्वारा पार्लियामेंट इसको प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया कैग ड्यूटीज पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ये देखिए इसमें कहा गया कि ये जो एक्ट है इसमें से अकाउंट को सेपरेट कर दिया जाएगा ऑडिट से। अकाउंट दोस्तों हम रेगुलरली मेंटेन करते हैं और ऑडिट हम ईयरली करते हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि मार्च का महीना जो होता है वो अकाउंट ऑडिटिंग का होता है कि कितना कैसे चीज़ें बन हुई पूरे साल भर में। तो इसको सेपरेट कर दिया था 1971 में। अब इनके फंक्शन क्या क्या है दोस्तों, फंक्शन ये है कि ये जो अकाउंट रिलेटेड हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, कि जो सैलरीज अलाउंसेस और पेंशंस जो दी जा रही हैं वो ठीक प्रकार से दी जा रही हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी हैविंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया इस टाइम, आपका दिल्ली हो गया और पुडुचेरी हो गया। तो इन तीनों का भी अकाउंट कौन करते हैं, हमारे कैग करते हैं। ठीक है, सेकंड पावर और ड्यूटीज क्या है इनकी, ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का भी ऑडिट करते हैं और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का भी ऑडिट करते हैं और कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट का भी करते हैं और पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट का भी करते हैं। मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो ये हर चीज का ऑडिट करते हैं, जो भी खर्चा सरकार के द्वारा करा गया और जो भी अकाउंट है सरकारी। ठीक है, ये ऑडिट ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट किसी भी डिपार्टमेंट के, जो सरकार की जो मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जो डिपार्टमेंट आते हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के ऑडिट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के। ये रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर, मतलब सरकार ने जो खर्चा किया स्टेट में और जो स्टेट्स ने खर्चा किया अपनी स्टेट्स में, ये उसका भी ऑडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। और जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन है दोस्तों, जो कलेक्शन हुआ है रेवेन्यू का, वो ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है, जितनी भी गवर्नमेंट ऑल बॉडीज एंड ऑथराइज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट रेवेन्यूज। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी में सेंट्रल गवर्नमेंट का 51% शेयर होता है, किसी में 49, तो उसमें अगर सरकार का पैसा लग रहा है, स्टेट का पैसा लग रहा है, तो उसका भी ये ऑडिट करेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट करेंगे। ठीक है, और अदर कॉर्पोरेशन एंड बॉडीज जो भी रिक्वायर्ड है लॉस के द्वारा। सिक्स पॉइंट ये कहता है, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो डेप्ट हैं, डेप्ट मतलब होता है कर्जा। ठीक है दोस्तों, और जो रिमिटांसेस हैं, रिमिटांसेस क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कोई इंसान बाहर काम कर रहा है, मान लीजिए यूएई में काम कर रहा है और वो अपने घर वालों के लिए पैसा भेजता है केरला में, तो ये रिमिटांसेस माना जाएगा, तो इसका भी ऑडिट कैग के द्वारा करा जाता है। और सेवेंथ पॉइंट ये कहता है, सिक्स्थ पॉइंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक अकाउंट का और विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन रिक्वायर्ड बाय प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट अप्रूव्ड करते हैं, ही ऑडिट
उसका भी ये ऑडिट करते हैं. ही ऑडिट द अकाउंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर. अगर किसी स्टेट के राज्यपाल या हमारे राष्ट्रपति जी कहते हैं कि आपको इस चीज का भी ऑडिट करके बताना है कि इस चीज में सही से पैसा लागू हुआ है, कोई करप्शन तो नहीं हुआ, तो ये उस चीज का भी ऑडिट करते हैं. एट पॉइंट ये कहता है कि जो ही एडवाइज द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट शॉल बी कैप. मतलब ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि जो अकाउंट रखे जा रहे हैं, अकाउंट का जो बेस है वो किस हिसाब से होना चाहिए. ये आर्टिकल 150 के द्वारा होता है. और 151 और 152 बहुत इंपॉर्टेंट है. 151 दो तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सेंटर की जो रिपोर्ट होगी वो प्रेसिडेंट को सौंपेंगे और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में रखेंगे, ठीक है. 9 पॉइंट. 10th पॉइंट ये कहता है कि उस रिपोर्ट को, जो स्टेट की रिपोर्ट होंगी उसको गवर्नर को सौंपेंगे और गवर्नर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में रखेंगे. 279 आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये नेट प्रोसीड जो होती है टैक्सेस की उसका भी सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये ठीक प्रकार से हुई है. नेट प्रोसीड क्या होता है, मान लीजिए कोई टैक्स कलेक्शन करने में 100 रुपये का टैक्स कलेक्शन होता है लेकिन उसमें से 30 रुपये गवर्नमेंट को कलेक्ट करने में लगते हैं, तो 70 रुपये नेट प्रोसीड हो गई. तो ये इस चीज़ का भी पूरा ब्यौरा रखते हैं कि कितना नेट प्रोसीड हुआ है, कि किस क्षेत्र में कितना कलेक्शन करने के लिए हमें कितना रुपया लगाना पड़ रहा है, ठीक है. 12th पावर ये कहती है कि ये गाइड होते हैं, फिलोसफर होते हैं, फ्रेंड होते हैं. किस कमेटी के? पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा. किस कमेटी की? पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट. और इसमें कहा गया कि ये कंपाइल करते हैं, मेंटेन रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के भी अकाउंट को. लेकिन जब 1976 में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी ऑडिट की, अकाउंट की, अलग अलग हो गई, तो विद रिगार्ड टू द कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ, हाँ, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अच्छे से रिगार्डिंग में रखते हैं. और लास्ट में जो कहा गया है, जो कैग की जो 3 रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट इन पब्लिक अंडरटेकिंग. ये तीनों रिपोर्ट पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट ये पेश करते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है. कौन कौन सी? ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन, ऑडिट रिपोर्ट इन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट इन पब्लिक अंडरटेकिंग. और दोस्तों इसमें कहा गया है कि ये जो प्रेसिडेंट के पास अपनी रिपोर्ट देंगे और वो प्रेसिडेंट पूरे दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस में रखेंगे, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामाइन करेगी जो रिपोर्ट है वो ठीक है या नहीं है. अब दो चीज़ें हैं दोस्तों, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, जितना सेंशन है एक्सपेंडिचर अप्रोप्रिएशन एक्ट के द्वारा. मतलब सरकारें जो हैं वो अपना एक्सपेंडिचर सेंशन भी करवाती हैं अप्रोप्रिएशन एक्ट के द्वारा, वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है. लेकिन फाइनेंस अकाउंट क्या होता है, जो एनुअल रिसिप्ट है भाई, पूरे साल भर का खर्चा, ठीक है, वो आपका फाइनेंस अकाउंट में आता है दोस्तों. अब बात करते हैं रोल की दोस्तों. तो रोल क्या है, जो ये अपहोल्ड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट के कानूनों द्वारा, जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो कानून है उसके द्वारा चलते हैं और अकाउंटेबल होते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को टू द पार्लियामेंट के अंदर. और जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी रिपोर्ट कैग के द्वारा सौंपी जाती है. कैग जो होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है पार्लियामेंट, उसमें ये एक तरीके के एजेंट होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो बातें बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें ठीक हुई हैं या गलत हुई है दोस्त. और इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये कहा गया है कि कैग को बहुत फ्रीडम है कि वो ऑडिट किसी प्रकार से भी कर सकते हैं, रिसिप्ट स्टोर और स्टॉक का, और अपने ऑडिट में जो कोड्स हैं, मैनुअल्स हैं, अपने हिसाब से वो उस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों. ये कैग का रोल है. 3rd पॉइंट ये कहता है कि जो ये देखते हैं कि जो मनी जिसके लिए आवंटित हुई थी, जिसके लिए वो अवेलेबल थी, जिसके लिए वो प्रोवाइड करी गई थी बजट के अंदर और जो चीज़ें हैं उसके द्वारा, वो उसी प्रकार से हुई हैं या नहीं हुई हैं. इन एडिशन टू दिस, ये लाइन देखिए, लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट कैग है तो ऑल्सो कंडक्ट प्रोप्राइटरी ऑडिट. मतलब जो बीच बीच में भी कैग ऑडिट कर सकते हैं. और ये जो एक तरीके से फेथफुल और इकोनॉमी, जो फेथफुलनेस है इकोनॉमी के अंदर लोगों की बनी रहे, उस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट
पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि कैग की लिमिटेशन क्या है। जो कैग की मेजर लिमिटेशन है दोस्तों, ये वाला पॉइंट देखिए, कैग को हमने कंपोट्रोलर और ऑडिटर जनरल हम बोलते हैं, लेकिन अब ये सिर्फ ऑडिट का काम करते हैं, कंपोट्रोलर का काम नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट यहां से क्लियर होगा आपका। जो कैग है, जब मनी इशू होती है तब इनका कोई रोल नहीं हो जाता, जब मनी यूज हो जाती है तब ये उस चीज की ऑडिट करते हैं। तो इसी वजह से इनका क्रिटिज्म भी होता है कि भाई अब तो पैसा करप्शन में जा चुका, अब आप उसका ऑडिट करके ब्योरा देके क्या करेंगे, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है, जब भी पैसा एग्जीक्यूटिव के द्वारा निकाला जाता है तो कैग की अप्रूवल चाहिए और फिर कैग उसको चेक भी करते हैं। कितना ट्रांसपेरेंसी है इसी वजह से ब्रिटेन में, मतलब आपको अगर कुछ भी निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से तो कैग का अप्रूवल चाहिए पहले, ठीक है, और फिर कैग उसको देखेंगे कि हाँ ये ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। अब कैग के कॉर्पोरेशन, मतलब कैग किन किन पब्लिक कॉर्पोरेशन की ऑडिटिंग कर सकते हैं, इनकी जो ऑडिटिंग है पब्लिक कॉर्पोरेशन की, वो दोस्तों किसी क्राइटेरिया पे लिमिट भी है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है दोस्तों, किसी किसी कंपनी का तो कैग पूरी तरीके से ऑडिट करते हैं, किसी किसी का आपका सप्लीमेंट्री बेसिस पे ऑडिट करते हैं, तो वही देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये जो कॉर्पोरेशन है पूरी तरीके से कैग के अंदर में आती हैं। कौन कौन सी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन। लेकिन ये जो है कॉर्पोरेशन, सेकेंड पॉइंट ये कहता है, ये प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर इसको ऑडिट करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं कैग की कंसल्टेशन के बाद। ये कौन कौन सी हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड अदर। लेकिन कैग इनका सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ये जो कॉर्पोरेशन है, ये जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस, LIC आपकी, RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन, इनका पूरी तरीके से प्राइवेट ऑडिट होता है। जो प्राइवेट प्रोफेशनल हैं वो ऑडिट करते हैं और ये कैग की पिक्चर से बाहर हैं, ये सब चीज़ें कैग के अंदर में नहीं आती हैं। और ये जो रिपोर्ट है एनुअली पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। जो रोल है कैग का दोस्तों, अब आपने देखा होगा कैग किसी किसी चीजों को ऑडिट भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसको रिव्यू जरूर कर सकते हैं। जो रोल है कैग का वो लिमिटेड है, और जो ऑडिट होता है वो प्राइवेट ऑडिटर्स के द्वारा होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं कैग की एडवाइस पे, ठीक है। लेकिन कैग उसका ऐसा नहीं है कि कैग उसका ऑडिट नहीं कर सकते, सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया कि जो 1968 में था, एक ऑडिट बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ, एक कैग की सब्सिडरी पार्ट ऑफ ऑफिस ऑफ कैग के एसोसिएशन में। तो जो आपकी ऑडिट होगी इंजीनियरिंग की, आयरन एंड स्टील, केमिकल कंपनीज की, वो इन टेक्निकल एस्पेक्ट को, वो इन ऑडिटर्स को दे दी गई। तो इसमें कहा गया है जो बोर्ड है वो किसकी रिकमेंडेशन पे बना था, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन पे ऑडिट बोर्ड बना था जो कैग के ऑफिस का एक पार्ट है, और उसमें चेयरमैन होंगे और दो मेंबर होंगे। उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, कैग ही अपॉइंट करेंगे। ये बात हो गई कैग के कॉर्पोरेशन की। अब कैग का दोस्तों क्रिटिज्म भी बहुत होता। एक पॉल एप्पलबाय करके एक वो थे, क्रिटिक्स थे, उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखे थे, उन्होंने कैग का बहुत तरीकों से क्रिटिज्म करा। किस किस बेस पर क्रिटिज्म करा, इन्होंने कहा कि जो कैग का फंक्शन है इंडिया के अंदर दोस्त, वो एक तरीके से जो कॉलोनियल रूल था हमारा कि भाई पैसा खर्च हो जा रहा है उसके बाद ऑडिट हो रहा है, तो उस बेस पर ये कहते हैं कि ये कॉलोनियल रूल का ही इनहेरिटेंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। और सेकेंड पॉइंट यही कहते हैं कि एक पैरालाइजिंग तरीके से ये काम करता है कैग, और जो ऑडिट है वो रिप्रेसिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बेस पर होती है इसमें। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि पार्लियामेंट ने अभी तक ठीक से ग्रेटली तरीके से बताए नहीं है कि कैग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या फंक्शंस हैं, पार्लियामेंट बताने में फेल्ड हुआ है कि अच्छे से डिफाइन कर पाए कि कंपोट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरीके से होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं दोस्तों कि कैग को सिर्फ ऑडिटिंग करनी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या कमियां हैं और किस हिसाब से करप्शन हो रहा है उसके बेस पर ये काम नहीं कर पाते हैं। तो यही इनका क्रिटिस करते हैं कि कैग की जो एक तरीके से ये हाईली पेडिस्ट्रियल फंक्शन है विद ए नैरो परस्पेक्टिव एंड ए वेरी लिमिटेड यूजफुलनेस, कि भाई अगर पैसा खर्च हो गया उसके बाद ऑडिट करने से क्या फ़ायदा, ये इस बात को कहते हैं। और सिक्स पॉइंट में तो ये बहुत ज़्यादा बात कहते हैं, ये कहते हैं डिप्टी सेक्रेटरी जो होता है डिपार्टमेंट के अंदर,
उसको ज्यादा नॉलेज होती है और वो प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से जानता है, और जो कैग होते हैं और उनके अलावा, मतलब कैग को इतनी नॉलेज नहीं होती, जो प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर, वो डिप्टी सेक्रेटरी को ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों ये हमने कैग भी कवर कर लिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में। अब हमारे दो टॉपिक बचे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, उनको भी हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कवर हो जाएंगी। आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, अच्छे से पढ़िए और आर्टिकल्स ध्यान में रखिए, और क्या क्या फंक्शंस हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है और क्या एज है, ये क्राइटेरिया भी आप याद रखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।